गाइस आज हम बनाने वाले हैं आलू प्याज की सब्जी। इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हुए हैं, 3 ही प्याज ली हुई है और ये 3 हरी मिर्च। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आलू प्याज की सब्जी। इसके लिए मैंने कोई पिसा हुआ सामान नहीं लिया है। ये मैं आधी चम्मच जीरा है ये मैं गरम तेल में डाल दूँ। इसके बाद मैं इसमें ये कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल दूंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से भून लूंगी। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने इसमें सारी प्याज और जो मिर्च थी कटी हुई लंबी वाली वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और मैंने इसको चला दिया। इसको भूनने के लिए अब हम इसमें मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए ये है, ये मैंने मसाला लिया हुआ है। 3 आलू के लिए ये आधी चम्मच से कम हल्दी और ये मेरा किचन किंग है जो मैं हल्का सा ही ऐड करने वाली हूँ। मिर्च ये आधी चम्मच से भी 1/4 चम्मच मिर्च, क्योंकि ये बहुत तीखी है। इसके साथ ही धनिया जो मैं आधी चम्मच से भी कम लेने वाली हूँ। हल्का सा गरम मसाला जितना मैंने किचन किंग लिया था छोटा, 1/4 से भी कम। अब इसमें मैं नमक डालने वाली हूँ, जो लूँगी मैं 1/2 चम्मच। ये देखिए इसको मैं ऐसे ही ना डाल के हल्का सा पानी डाल के डालूँगी। ऐसे ही डाल देते हैं तो मसाला जो है मिर्च जल जाती है। ये देखिए इसको मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी। ये देखिए पानी डाल लिया मैंने, इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको जो प्याज है जो 1 से 2 मिनट हो चुकी हैं तो मैं इसमें ये डाल दूँगी। अब मैं इसको भून लूँगी। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक भूनने दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। अगर आपके पास मान लो सब्जी में आलू भी नहीं है तो आप इस तरीके से प्याज हल्का सा 2 से 3 मिनट तक भून के इससे भी आप रोटी खा सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छी रोटी पेट भर के खप जाती है। तो आप इसे ऐसे भी केवल प्याज ही भून के रोटी खा सकते हैं। अगर आपके पास मान लो कोई सब्जी आपने नहीं ले पाई है इमरजेंसी में तो रोटी सेक के इसके लिए आप रोटी खा सकते हैं। ये रोटी 1 से 2 मिनट तक इसको भूनने रहेंगे। तब तक हम अपने आलू कट कर लेते हैं। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं तो इसमें अब मैं आलू ऐड कर दूँगी जो मैंने इस तरीके से काटे हुए हैं। मैं इसको भी अच्छे से चला दूँगी। ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसमें 1 कटोरी ही पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैं सूखे प्याज आलू बनाने वाली हूँ। अगर आपको थोड़े रसीले पसंद हैं तो आप इसमें 2 कटोरी पानी ऐड कर सकते हैं। मैं सूखे प्याज आलू बनाने वाली हूँ, इसके लिए मैं 1 कटोरी जिसमें मैंने मसाला घोला था 1 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए आपको रसीला खाना है तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से उबाल आने के बाद गैस कम कर दूँगी और ये 15 मिनट मैक्सिमम बनके तैयार हो जाएगी सब्ज़ी। तो वेट करते हैं। ये देखिए गाइस हमारे प्याज आलू बनके तैयार हैं तो मैं उनको परोस के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए हमारे प्याज आलू बनके तैयार है। मैंने गैस ऑफ कर दिया है और मैं इसको पराठे के साथ सर्व करूँगी। पराठे के साथ ये सूखा प्याज आलू बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए अगर आप इसके अलावा और कोई रेसिपी चाहते हैं, आप कोई भी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं तो मैं आपको वो भी बना के बता सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।